आपके भी एग्जाम्स आने वाले हैं और मेरे भी एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं एग्जाम टाइम में कौन सी स्टेशनरी यूज करती हूँ। क्या सबको पता है अगर अच्छी स्टेशनरी हो ना तो एग्जाम बहुत अच्छे जाते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होती है। तो चलो आ जाओ मैं दिखाती हूँ कि मैं कौन सी स्टेशनरी यूज करती हूँ। ये है मेरी मेनली स्टेशनरी की ड्रॉअर्स, जिसमें मेरे पेन, जैसे मेरी ज्योमेट्री बॉक्स, सब कुछ रहता है। तो एक सेकेंड, इसका तो बहुत ही बुरा हाल हो गया अभी, बट कोई बात नहीं, हमें तो स्टेशनरी से मतलब है। फ्रेंड्स मेरे पास सिर्फ गिनती के 3 पेन है और ये भी टूटे फूटे हैं, मेरे को पेन चाहिए होंगे और ज्योमेट्री बॉक्स। इसमें ढंग का स्केल भी नहीं है और मेरा कंपास भी नहीं है, डिवाइडर भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये सारे तो क्रिएटिव मार्कर्स हैं, पर एग्जाम टाइम में तो हमें अच्छी स्टेशनरी चाहिए होती है क्योंकि टीचर तो एंट्री नहीं लेते एग्जाम में। हाइलाइटर भी ऐसे है, नॉर्मल हाइलाइटर ही नहीं है, क्या करूं। और मेरा बोर्ड कहां गया, बोर्ड भी नहीं है। जरूर उस ध्वनि ने ले लिया होगा मेरा बोर्ड, उसके भी तो एग्जाम आ रहे हैं, क्या करूं। चलते हैं मम्मी के पास, बताते हैं कि मम्मी हमारे पास स्टेशनरी नहीं और मेरे पेपर आ रहे हैं। तब मैं ज्वेलरी बॉक्स बनाऊंगी। मम्मा मेरी बात सुनो, मेरे पास ना बिल्कुल भी कोई भी स्टेशनरी है, मतलब स्टेशनरी है पर वो फैंसी स्टेशनरी है और वो ना कोई भी टीचर अलाउ नहीं करेगा मैं एग्जामिनेशन के टाइम पे जाने के लिए। मतलब क्या, पेपर शुरू होने वाले और मेरे पास स्टेशनरी नहीं है? इतनी स्टेशनरी में दिलाते हैं, स्टेशनरी है पर वो सारी की सारी फैंसी स्टेशनरी है, जैसे जो मेरी रूल शीट्स हैं, जो मेरे बोर्ड्स हैं, वो मेरे को मिल ही नहीं रहे। और सुनो मेरे पास बस 3 पायलट पेन है, सिर्फ 3। और तेरी वो रूल शीट कहां गई? वो सारी की सारी होगी, मेरे असाइनमेंट तो खत्म हो गई, अब और बनानी पड़ेगी ना। अब फ्रेंड्स आपको पता है मैं ना हमेशा से रजिस्टर्स में काम नहीं करती, मैं नोट्स बनाती हूँ तो वो असाइनमेंट शीट्स में बनाती हूँ, तो इसलिए मम्मी दिला दो ना। लेकिन और तेरा बोर्ड कहाँ गया? बोर्ड कहाँ गया? तो चल तू अपना एक काम, मैं से स्टेशनरी दिलाकर आ रही हूँ। तू क्या करेगी, तुझे मैं नहीं लेकर जाऊंगी, तू घर में रह, क्योंकि तू फिर वो फैंसी स्टेशनरी उठाएगी सारी की सारी। नहीं तू सारी फैंसी स्टेशनरी लेती है, चल हम इसे नहीं लेके जा रहे, चल चल चल। मैं कैसा फूल बना रही है जिन्हें नहीं, चलते चल चल तू भी चल चल, देख कितनी खुश हो गई, देखो फ्रेंड्स कैसी खुश हो गई। और तू ये क्या स्टेशनरी की वीडियो निकाल रही थी? हाँ मैं सोच रही थी कि अपने फ्रेंड्स को दिखाया जाए कि मैं कौन सी स्टेशनरी यूज करती हूँ, ताकि वो लोग भी कुछ मैंने खा दी तूने अपनी स्टेशनरी, जब कुछ है तो क्या और क्या लेना है? और पहले आप देखेंगे रूल शीट, रूल शीट, रूल शीट का है एग्जाम शीट, हाँ हाँ असाइनमेंट शीट, हाँ ये बेस्ट है, ये ले लेते हैं। तो इसमें क्या पहले पेपर खुद बना के करेगी इसलिए की होती है? नहीं नहीं, जैसे एक सब्जेक्ट की जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे जो हर चैप्टर के जो मेन
मेन पॉइंट्स है वो इस पे लिख दिया। अच्छा, जो मेन मेन की पॉइंट्स जो होते हैं वो इस पे। इतना पढ़ते भी हो बच्चों? आप लोग पढ़ते हो? इतना जरा कमेंट करके बताना। इतनी स्टेशनरी तो ले जाते हो, मम्मी पापा के इतने पैसे तो लगवा देते हो, इतना पढ़ा भी करो। पढ़ते भी है, पढ़ते भी है, तो एक ही ले लेते हैं। चलो अच्छा, और क्या चाहिए? और हाइलाइटर ले लेते हैं। हाइलाइटर एकदम नॉर्मल से ये ले ली। मम्मी मेरे को स्टिकर्स दिला दो। कौन से स्टिकर्स दिला दूं आपको? अच्छा, बाहर निकलो, इधर स्टिकर्स दिला दो। आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई स्टेशनरी चाहिए तो मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगा कुछ भी। और आप मेरे को चाहिए एग्जाम बोर्ड, एकदम प्लेन वाला बोर्ड। अच्छा, तेरा ठीक है। ये वाला सही है, ज्यादा ट्रांसपेरेंट हल्का भी है ना। हाँ, ये ले ले। हाँ जी, क्या चाहिए आपको? अब हमें चाहिए ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स, मेरा कंपास भी नहीं था मेरे। वो सारी चीजें गई का, तो मेरे को ये बता। पास नहीं है मेरे पास, नहीं है फ्रेंड्स। कमेंट करके बताना इसके पास है या नहीं है। इसकी शक्ल बता रही है कि इसके पास है। अच्छा, इसमें ज्योमेट्री बॉक्स भी है। अच्छा, ये बोर्ड, इसमें ज्योमेट्री बॉक्स भी है और पेंसिल पाउच भी है। अरे, पेंस भी है। सही है, ये सेट सही है, है ना? हाँ, ये ले लेते हैं। ये ले लेते हैं, ये वाला कर दो भैया। ठीक है, ठीक है भाई, मेरा काम तो हो गया बस। हाँ, और कुछ नहीं लेना तेरे को? वो स्टिकी नोट कह रही थी, तो स्टिकी नोट ठीक पर ही हुआ है। क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, पढ़ना तो सब कुछ है, पर करेक्शन टेप। मैडम, करेक्शन टेप तो नहीं चाहिए? ये वाले होंगे मल्टी कलर, ये वाले दे दो आप। ये लिए हमने स्टिकी नोट, आप तीन वाले है ना। ये लिए हम दो करेक्शन टेप ले लेते हैं। दो करेक्शन टेप ले लो आप। हमने दो करेक्शन टेप और इरेजर वगैरह, इरेजर वगैरह तो सब है। नो नो मीन्स नो। एग्जाम से रिलेटेड आप कोई भी आइटम ले सकते हो, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलेगा। फ्रेंड, वैसे भी आप हमारी इतनी सारी वीडियोस में देख चुके हो, इन बच्चों के पास पूरा भंडार है। वो फैंसी अगर आपको स्कूल के नॉर्मल पेंसिल चाहिए तो मिल जाएंगी, नॉर्मल इरेजर चाहिए तो मिल जाएंगी, शॉर्पनर नॉर्मल वाला चाहिए तो मिल जाएगा। शॉर्पनर चाहिए था, हो गया था, तो चलो इसको शॉर्पनर दिला देते हैं। भैया नॉर्मल वाला शॉर्पनर, ठीक है, ये वाला नॉर्मल शॉर्पनर, ठीक है, ठीक है, सारा सामान। और कुछ लेना है आपको? मम्मी, मैं एक और बार देख लेती हूँ कि क्या है, और कुछ चाहिए तो नहीं कि फिर दोबारा ना आना। हाँ, एक बार राउंड लगा लो आप भी। मम्मी, मैं ग्लू पेन ले लूँ। ग्लू पेन क्या चीज़ है? मम्मा, वो ना एक पेन होता है जिसमें ग्लू होती है, फिर आप उसके अंदर, एक पेन नहीं होता नॉर्मल, उसके अंदर ग्लू होती है जिससे आप ग्लू कर सकते हो। सारे पेन लाते हैं। ऐसी कौन सी चीज है भैया ग्लू पेन? एक नया ग्लू पेन आया है। क्या है इसमें? इस पेन के अंदर ही ग्लू होता है। अच्छा, पेन के अंदर ही ग्लू है। बताओ क्या क्या चीज बनाने लग गए। तो इसका आप मतलब बिखरेगी नहीं ग्लू? ग्लू की बनती नहीं है? नहीं, बिखरती नहीं है, बिल्कुल जिस तरीके से आप लिखेंगे उसी तरीके से। अच्छा, वो चिपक भी जाएगा इंस्टेंट? अच्छा, ले ले, ग्लू पेन ले ले। एक ये मेरे लिए भी ले लो, एक इसके लिए भी दे दो। कलर चॉइस तो नहीं है ना इसमें? नहीं नहीं, कलर ग्लू है। स्कूल में लाओगे? स्कूल में अलाउड होगा, और ये तो बल्कि ज्यादा बेनिफिशियल है ना कि स्कूल में आपका वो सारा दाग धाब नहीं फैलेगा। अच्छा, और कुछ? तो मैं देख कर आ रही हूं। है, देखाओ, आप भी देख लो। मैं इधर देख लू, देखो क्या लेना है। मम्मी, मेरे को बाइंडर क्लिप्स चाहिए। क्या चाहिए? बाइंडर क्लिप्स। अच्छा, बाइंडर क्लिप्स कितनी चाहिए? दो ले लेते हैं अभी। ठीक है, ठीक है ना, ओके। अच्छा, वो हम देख रहे हैं। हाँ, देख लो जो लेना। मैं भी देख रही हूँ। हाँ, देखो, आप भी देखो। देवी जी, आप क्यों पीछे रहोगी? आप तो सबसे पहले देखोगी। और मम्मी, हम स्टेपलर पिंस, स्टेपलर है आपके पास? स्टेपलर तो है। ठीक है मम्मी, मैं कलर पेंसिल ले लूं। ये स्मॉल स्टेपलर है कि स्टेपलर पेन है? ये स्मॉल स्टेपलर है। अच्छा, स्मॉल स्टेपलर ले ले अगर नहीं हो तो। हाँ, छोटा नहीं है। हाँ, आप एक ये दे दो, मैं खोल के देख लेते हैं। कौन सी वाली? ये वाली है। नहीं, आपके पास कलर पेंसिल? ये सही है, छोटू सा स्टेपलर।
सही है, इसमें पिंस भी है इसकी? पिंस? इसके साथ नहीं होगा, अलग से मिल जाएगा, अलग से मिल जाएगी। से मिल जाएगी। तो एक वो पैकेट भी निकाल दो, भी पिंस का भी निकाल दो। ये वाली लेनी है? नहीं, ये वाली ले ले, फिर इसमें से पेंसिल्स कहीं जाएंगी नहीं। ये 24, इसमें 12 वाला भी है भैया? 12 वाला, तो इसमें छोटा ले लेना 12 वाला, बल्कि इसमें ही पेंसिल रहेंगी, फिर इधर फिर इसमें से खोदेगी तो पेंसिल। फ्रेंड्स पता है कितने पेंसिल कलर्स ले चुकी है और इसमें से पेंसिल खोदेगी, अभी भी कह रही है मेरे को ये नहीं लेना है, ये वाला लो गया। हाँ ये वाला, चल वो वाला ले ले भैया, इसमें घूम जाती है, ये वाला दे दो मम्मी। सुनो सुनाओ 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 सुनाओ, दो पायलट पेन की इंक भी ले लेते हैं। अच्छा पायलट पेन ले लिया आपने? एक ही बहुत है? एक बहुत है? नहीं नहीं पेन एक बहुत है, पेन मेरे पास हो गए चार। ठीक है, दो ही ले लेते हैं। ठीक है चले, फिर हो गया आपका, हो गया। और आपका हो गया ध्वनि? देख रही है फ्रेंड्स, अभी इसका देखना खत्म नहीं होगा। ये पेंसिल पाउच है क्या है ये? ये डॉक्टर किट लग रही है कि पेशेंट्स को चेक करने जाते हैं। वो वाला पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स ही है वो वाला पेंसिल बॉक्स ले लूं। अच्छा डबल पासवर्ड, स्कूल में टीचर अलाउ भी करती है ऐसा पेंसिल बॉक्स? मेरा टीचर से रिक्वेस्ट है, बच्चे पढ़ने जाते हैं या वहाँ पे फैशन दिखाने जाते हैं तो नॉर्मल स्टेशनरी यूज करें बच्चे, पर नॉर्मल एग्जाम टाइम में तो नॉर्मल स्टेशनरी ही यूज करनी चाहिए। क्या है फिर मैं न्यू क्लास में नहीं दिलाऊंगी? नहीं ना, न्यू क्लास में दिलाऊंगी, न्यू क्लास में दिलाऊंगी। चलो 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 चलो, ये देख ध्वनि की तरह बिल्ली छोटी सी ले लेते हैं बस। फ्रेंड्स इसको ना बिल्ली पालने का इतना शौक है, मतलब ये खुद ही बिल्ली है। फ्रेंड्स हमारे घर में ऑलरेडी एक बिल्ली है, हम और कितनी बिल्ली पालेंगे ना? असली नहीं पिलाती ना। चल 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 चलो, जो आप लेने आए थे वो आपका मकसद पूरा हो गया, अभी चलते हैं घर। ध्वनि की तो एक दो आइटम है, ज्यादा आइटम नहीं है, ज्यादा मेरी आइटम है। ध्वनि ने तो अभी भी फैंसी आइटम उठाई है। फ्रेंड्स अभी ये छोटी है, चलो घर जाके देखते हैं क्या है, याद नहीं है, इसे याद भी नहीं है इसने क्या लिया है, कोई बात बट घर जाके चल के देखते हैं, खोलते हैं क्या क्या इसमें सामान निकलता है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा सारा का सारा सामान जो आज हमने एग्जाम्स के लिए खरीदा है। चलो दिखाओ क्या क्या लाए आप। पहले एग्जाम एसेंशियल किट और ये सिर्फ और सिर्फ 280 रुपीज की, और इसमें इतना सब कुछ सामान है। इसमें सबसे पहले आपको ट्रांसपेरेंट बोर्ड, एक एक करके दिखाएंगे। ये हमें मिला है ट्रांसपेरेंट पाउच जो टीचर्स बोलती हैं रखने के लिए। दीदी ने एक्साइटमेंट में पेंस भी गिरा दिया। पेंस गिराई नहीं, वो वहां से गिर गए। इसको तो अभी रुक जाए, इसमें क्या क्या है और दिखा। इसमें आई थिंक एक ज्योमेट्री है और फ्रेंड्स ये देखो बोर्ड के साथ साथ स्केल भी है इसमें पेन है और इसमें एक इरेजर भी है। ये वाली इरेजर मुझे चाहिए थी पर दीदी यूज कर सकती है। अच्छा ये वाली इरेजर है? अच्छा ये कैसी इरेजर है? ये ऐसी इरेजर है। अच्छा ओके वाओ, और ये वाली लेड पेंसिल होगी? ओके, और ये वाले जेल पेन्स हैं, बट तू तो पेपर टॉयलेट पेन से कर आएगी। और इसके बाद क्या है फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जिनी हमेशा पायलट पेन यूज करती है, हमेशा जेल पेन को यूज नहीं करती है। अच्छा और एक स्केल निकला है लॉन्ग स्केल 20 सेंटीमीटर का और ये है ज्योमेट्री बॉक्स। अच्छा जिनी एक चीज बता, इतना लंबा स्केल अलाउ होता है स्कूल में? नहीं होता, पर ये हमारे प्रोजेक्ट वगैरह में हमारी बहुत हेल्प करती है। नहीं वैसे एग्जाम में तो नहीं अलाउ होता होगा ना? हाँ क्योंकि हमारे टाइम में तो अलाउ था नहीं। अब हम खोल रहे हैं और इसमें हमारे पास आया है एक नॉर्मल स्केल, एक डिवाइडर और अच्छा। ये आया है कंपास के लिए काम की, की होती है ना कंपास की, की शार्पनर, इरेजर, ये यूज करने में मुझे बड़ा मजा आता था। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्केल्स, तो मेरी तो बहुत अच्छी ज्योमेट्री की टी आ गई है। अब ये मैथ्स का एग्जाम है ना, फुल मार्क्स ला के दिखाएगी। और ये एक काम करते हैं मम्मी, हम इतना सारा सामान तो लिया है, हम ना अपने पेंस वगैरह थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड जो भी आप लाते हो ना उसको आपको टेस्ट करके देखना चाहिए कि वो चीज अच्छी से चल रही, क्योंकि फिर एग्जाम के बीच में आप किससे क्या ही मांगोगे। इस वाली शीट पे मैं जिनी के एग्जाम्स लेने वाली हूँ,
एग्जाम से पहले मैं जिनी के एग्जाम लेती हूँ हमेशा, और जिनी मुझे बहुत अच्छे से वो करके भी दिखाती है ताकि उसकी अच्छे से रिवीजन भी हो जाए। तो एक बार हम सब कुछ यूज करके देख लेते हैं, टेस्ट करके देखो तो दीदी बोल के लगाएंगे। फ्रेंड्स, पायलट पेन की एक खासियत है उससे ना राइटिंग आपकी बहुत सुंदर आती है। और अब आप जिनी की राइटिंग देख के बताना कि उसकी कैसी राइटिंग है। क्या लिखोगे जिनी? हम लिखते हैं सोशल स्टडी। सोशल स्टडी का आपका एग्जाम है तो आज आपका सोशल स्टडी का मैं इस पे टेस्ट लूंगी, ठीक है? तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताओ आपको जिनी की राइटिंग कैसी लगी है। और अब आपको ध्वनि अपनी राइटिंग देख के दिखाई। ये लो ध्वनि, मैं पेंसिल थोड़ी ना लिखती हूँ। पेंसिल ले ले इसमें से। फ्रेंड्स अपना न्यू शार्पनर टेस्ट करने की टाइम आ गया है। टाइम आ गया, लाओ मैं खोलूं। ये देखो फ्रेंड, शार्पनर बहुत अच्छा है। नॉर्मल शार्पनर है और एकदम पूरा बढ़िया वाला शार्पनर है। इरेजर भी है। अच्छा अच्छा, इधर इरेजर होती है। वाओ नाइस। तो शार्प करो पहले पेंसिल। ये देखो इसका अभी चलता है। ये चलता ही रहेगा जब तक इतनी सी पेंसिल नहीं हो जाती ना, तब तक वो चलता ही रहेगा। चलता ही रहेगा ना जी। चल गई? नहीं चली। शार्पनर की ग्रिप अच्छी। हाँ बहुत अच्छा शार्पनर चल रहा है फ्रेंड्स, मजेदार एकदम। चल गई चल गई चल गई। बस देखा मैंने, कहा था ना फ्रेंड्स ये चलता ही रहेगा। क्या लिखूं? लिखो क्या लिखूं? साइंस लिखो। सोशल साइंस ही लिख रही है वो। सोशल स्टडीज। साइंस क्या है? तो फ्रेंड्स जैसा कि ध्वनि थर्ड क्लास में है, आप कमेंट करके बताना कि थर्ड क्लास के अकॉर्डिंग उसकी राइटिंग कैसी है और जिनी की राइटिंग कैसी है, वो कमेंट करके बताना। अपनी करेक्शन अब दीदी काम कर, सोशल स्टडीज के ऊपर करेक्शन टेप लगा दो। हम भाई ट्राई करेंगे कि हमारी करेक्शन टेप करेक्ट है या नहीं है। लगा ली मैंने ताकत से लगाई। अरे वाह मस्त चल रही है। तो यस ये भी अच्छी चल रही है। हाँ परफेक्ट है। पूरी अच्छी चल पूरी अच्छी चल रही है। तो अब आप क्या टेस्ट करोगे? ब्लू पेन। मैं अपना खोलूंगी भैया। ये तो अलग ही आइटम नजर आई है मुझे फ्रेंड्स। ब्लू पेन ग्लू देते हैं। ग्लू पेन चले कुछ भी खोल लिया। दिखाओ पर इस पर चिपकाओगे क्या? नहीं आप एक काम करना। हाँ वो उसी का एक पार्ट चिपका देना। इसको हम ग्लू करके दिखाओ। अभी थोड़ा सा आने दो। हाँ पे ये देखो ये थोड़ा सा लाइट लाइट चलता है। आ गया ग्लू पेन। यस इतनी सारी दीदी। ओ भाई चिपक गया। चिपक गया है तो सच में चिपक गया। यस मस्त है। तो ग्लू पेन फ्रेंड्स वैसे मुझे ये आइटम पर्टिकुलर बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें इंक भी फ्लो नहीं, इंक भी फ्लो नहीं हुआ और हाथ भी गंदे नहीं होते। बच्चों के लिए इजी रहता है वैसे तो, नहीं तो चिपकती रहती है ना वो ग्लू गन। बाकी ये बहुत अच्छी चीज है। अब और... मेरी कार्पेट से टेस्ट करें। यस ये इसमें टेस्ट क्या कर रहे हैं? तो ऑलरेडी टेस्टेड ही है। इसमें तो सारे कलर है ही। देखो फ्रेंड्स कितने सुंदर कलर है। और ये मान ही नहीं, मैंने इससे कहा था डिब्बी वाली लेना। अब ये देखना इधर उधर हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद। और फ्रेंड्स ये देखो जिन्हें लाइक स्टेपलर छोटू सा yes. ये भी बहुत अच्छा है yes. और बहुत सारी स्टेशनरी की आइटम है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप कौन सी स्टेशनरी यूज करते हो जिससे मुझे भी और बाकी सबको भी कुछ सीखने को मिलेगा। और एग्जाम टाइम में कौन सी स्टेशनरी मस्ट होती है ले जानी और कौन सी रखनी मस्ट होती है जिससे आपका माइंड अच्छा चले पढ़ने में yes. तो आपको कैसी लगी सारी आइटम वो भी कमेंट करके बताना। और सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट। हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Love you all.